हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 12,000 के प्राइस रेंज में एक ऐसा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं जो मार्केट में अभी नया नया ही आया हो, तो ऐसे में हम आपको 3 ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो 12,000 के प्राइस रेंज में काफी दमदार फीचर के साथ मिल जाएगा। देखिए, ये तीनों फोन जो है ना इंडिया में कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नॉट 2। देखिए, इस फोन का सेलिंग लगभग 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि यह फोन अभी नया नया ही आया है। एक नजर डालते हैं इनका बेसिक फीचर पे, तो यह फोन आपको थोड़ा सा भारी महसूस कराएगा क्योंकि इस फोन का वेट 205 ग्राम है। 8.3 mm का थिकनेस है। 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। इस फोन में डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था खैर कुछ छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस फोन में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो MediaTek Helio G95 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी धांसू दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। वहीं बात करें इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। बैटरी से भी इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पर तथा 30 FPS पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है। कैमरा से भी इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए, यह फोन जो है ना केवल एक ही वेरिएंट में आता है और इस फोन को लेने के लिए आपको 13,499 रुपया पे करना पड़ेगा। अब आप तो सोच रहे होंगे कि ये तो 12,000 के प्राइस रेंज वाला फोन बताने वाला था, ये 13,000 का फोन बता रहा है। देखिए ब्रो, ऐसा है ना, हम चाहते हैं कम प्राइस में अच्छा फोन आपको मिल जाए। इस फोन को आप कम प्राइस में कैसे लीजिएगा वो बात हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो अगर आपके पास कार्ड वगैरह है, अगर उसको यूज कीजिएगा तो अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। अब देखिए, कार्ड तो लगभग लोगों के पास नहीं होता है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, आपको सेल ऑफर का इंतजार करना होगा। अगर आप सेल ऑफर में खरीदिएगा तो अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, यानी कि यह फोन आपको 12,000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का दूसरा फोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो। देखिए, यह फोन भी जो है ना कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और काफी कमाल फीचर के साथ आता है। एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे, तो 6.8 इंच का फुल HD प्लस एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा। डिस्प्ले से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। 500 nits का ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको डे लाइट में या आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 120 Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है जिससे आप गेमिंग भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी कमाल का दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। देखिए, पिछले वाले फोन के मुकाबले में प्रोसेसर इस फोन का थोड़ा सा लो है, लेकिन आप ये भी देखिएगा ना इस फोन का प्राइस भी कम है। खैर, आप बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, यह चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। बैटरी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बैटरी से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो पीछे का कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा भी इस फोन का ठीक ठाक ही है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब एक नजर बेसिक फीचर पे भी डाल लेते हैं। इस फोन में डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यह फोन एंड्रॉइड 11 के साथ है। इस फोन का वजन आपको नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 196 ग्राम है। 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में भी। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए, यह फोन भी जो है ना केवल एक ही वेरिएंट में आता है और इस फोन को लेने के लिए आपको 10,999 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि नेट 12,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आप 12,000 के अंदर में एक अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं जो अभी मार्केट में नया नया ही आया है, तो यह फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो अगर आप इससे भी अच्छा फीचर वाला फोन लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर वाले फोन को जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन फीचर आपको अच्छा मिल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का आखिरी फोन का। तो
हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नॉट 11। हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं इस फोन का भी छोटा मोटा फीचर से। इस फोन का वजन आपको नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 184 ग्राम है। यह फोन आपको काफी पतला महसूस कराएगा क्योंकि यह फोन 7.9 mm का थिकनेस के साथ आता है। काफी प्रीमियम लुक वाला फोन है। जानते हैं इस फोन का लुक डिजाइन जो है ना आपको काफी पसंद आया। वही 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। यह फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। यह तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। देखिए इस फोन में भी एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले के बारे में आप इतना समझिए कि अदर डिस्प्ले के मुकाबले में काफी अच्छा होता है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 650 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G88 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। प्रोसेसर इस फोन का भी काफी कमाल का दिया गया है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर से भी इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का। तो 5000 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। एक बार चार्ज करने के बाद आप इस फोन को भी लंबा समय तक यूज कर पाएंगे। बैटरी से भी इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 MP का दिया गया है। वही सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 12,499 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी कि 12,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आप इस फोन को भी सेल ऑफर में लीजिएगा तो अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। यानी कि 12,000 के अंदर में ये फोन आपको मिल जाएगा। अगर आपका बजट 12,000 या 12,500 के आसपास में है तो ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप अपना पसंद तथा बजट के हिसाब से ही फोन को लीजिएगा। अगर 500,000 रुपया किसी फोन में अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना तो लगा दीजिए। अगर फीचर अगर अच्छा मिल जाएगा ना तो आप लॉन्ग टाइम यूज कर पाएंगे। अगर आप पैसा के बारे में अभी सोच लीजिएगा ना तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।